ये बात करते दूसरी बड़ी खबर की। देश के प्रभावशाली नेताओं की लिस्ट में शामिल होने के बाद भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने प्रदेश में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बता दें कि आज राजधानी देहरादून पहुंचे चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने प्रदेश की कई गंभीर समस्याओं को मुद्दा बनाकर उत्तराखंड में अपनी पार्टी के चुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया है। इस दौरान चंद्रशेखर आजाद ने बेरोजगारी, शिक्षा, महंगाई के साथ साथ राजधानी गैरसैंण पर भी सवाल खड़े किए हैं। देखिए, मैं आप सबको कहना चाहता हूं, जैसे कि हम पिछले 5-6 साल से तैयारी में ले सकते हैं पूरे पूरे देश में और अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन ने भी बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी संस्थापक आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्हें स्वीकार किया है और स्वीकार किया है कि आने वाले भारत में एक अच्छा नेता साबित हो। और हम लोग इसी रणनीति को लेकर आज देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़े भाई ने किया है। हम सब लोग यहीं पर मौजूद हैं, हमारे दोनों प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, पूरे कार्यकर्ता यूनिट मौजूद है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे जैसे हमारे समाज पर अत्याचार हुआ है बरसों से, वो सब ना हो। और जैसे हमारे युवा यहाँ पर बेरोजगार घूम रहे हैं, वो बेरोजगार ना घूमें, ये हमारी बहुत मुख्य चीज़ है। और पार्टी के जो सभी कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, सभी लोग जान लगा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पार्टी से जुड़े और धरातल पर काम करें। क्योंकि आपने देखा है पिछले कई सालों से आप देख रहे हैं प्रदेश की सरकार, मोदी सरकार, योगी सरकार, जो भी यहाँ उत्तराखंड की सरकार भी कम नहीं है। क्योंकि हमारे देहरादून में हम लोग निवास करते हैं और देहरादून में ही हमारे साथ बहुत तरह के उत्पीड़न होते हैं और हमारे ऐसी समाज में उत्पीड़न होते हैं। चंद्रशेखर भाई का आदेश ये है कि भाई सब पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो, इस चीज़ को हम लेके जा रहे हैं। ग्राम से लेकर प्रधानमंत्री तक हम इस चीज़ को, नीति को ले रहे हैं, ग्राम प्रधान से प्रधानमंत्री तक हम चलेंगे। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा सभी लोगों से कि हमें एक वो काम करना चाहिए कि जिस काम के लिए बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद खड़े हुए हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो आवाज़ है पूरे अब हम जानते हैं, चंद्रशेखर आवाज़ SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए काम करते हैं और अपनी आवाज़ों को जनता के बीच में रखते हैं। चंद्रशेखर आजाद इस वक्त हमारे साथ है, प्रदेश में आज पहुंचे हैं, राजधानी देहरादून में इस वक्त हैं और सीधा चुनाव की घोषणा की है। सर, आपसे जानना चाहूंगा किस प्रकार से चुनाव लड़ा जाएगा, क्या आपके मुद्दे होंगे? देखिए, मुद्दे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी बता चुका हूँ, मुद्दे उसके अलावा भी बहुत सारे हैं और हम तमाम उन मुद्दों पर काम करेंगे जो जनहित के हैं। तैयारी हमारी ये है कि हमारे कार्यकर्ता दिन रात एक करके हैं गांव-गांव में और तमाम तरह की जो समस्या है उन पर नजर बनाए हुए हैं, जनता के काम कर रहे हैं और जनता के हक की लड़ाई को मजबूत कर रहे हैं। तो उन्हीं के भरोसे चुनाव लड़ा जाएगा और हम इसलिए अभी घोषणा कर रहे हैं क्योंकि 2022 में अब ज्यादा दिन बाकी नहीं रहे, तो हम लोग तैयारी करेंगे उत्तराखंड में और उत्तराखंड को मजबूत बनाने के लिए। और उत्तराखंड में जिस तरह से जनता को छला गया है, जनता की उन भावनाओं का ध्यान रखते हुए हम अपनी पार्टी काम को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल सर, प्रदेश में देखा जाए तो बेरोजगारी बेशुमार है, महंगाई इस वक्त चरम पर है, इन सभी मुद्दों पर आपकी क्या राय रहेगी, आपकी पार्टी किस प्रकार से काम करेगी? देखिए, राय नहीं है, हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि मैं खुद नौजवान हूँ और मैंने देखा है किस तरह से तमाम तरह के हॉस्टल और युवाओं ने पहाड़ के क्षेत्र से आकर यहाँ पढ़ाई की और वो उनको विश्वास था कि नौकरी मिलेंगी लेकिन सरकार ने नहीं दी। और जिस तरह का अब आप समझिए कि अगर कोई इलेक्शन में, यानी कि अगर बाई इलेक्शन कराना तो 6 महीने के अंदर कराना पड़ता है, लेकिन एक जॉब अगर बैकलॉग में चली जाए तो वो 6 महीने के अंदर नहीं भरी जाती। कराएंगे तो कैसा भी पेपर उसका रिजल्ट जो 1 महीने में आ जाएगा, चुनाव का रिजल्ट भी आ जाएगा, लेकिन जो परीक्षाएं हम नौकरी के लिए देते हैं उसका रिजल्ट तो नहीं आता, वो 2-2 साल टिका रहता है। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, किस तरह से उनके माँ बाप उनको पढ़ा रहे हैं, हम उनके दुख को समझते हैं और उनके सपनों को भी समझते हैं। हम लोग रोजगार के लिए काम करेंगे, हम लोग काम करेंगे महंगाई पे और ये कहने से कम नहीं होगी क्योंकि जिस तरह से सरकार अभी पूंजीपतियों के पक्ष में खड़ी है वो महंगाई नहीं कम कर सकती। हम महंगाई कम करने के लिए हम पे ठोस नीतियां हैं, हम लोग गांव-गांव तक रोजगार पहुंचाने का काम करेंगे, हम युवाओं के लिए प्राइवेट और सरकारी सेक्टर में रोजगार की व्यवस्था करेंगे, हम महिलाओं को जो है घर पे रोजगार देने का काम करेंगे और हम प्रयास करेंगे कि युवाओं के लिए एक अच्छा जो है प्लेटफॉर्म बने जिसपे वो आके ईमानदार से काम कर सके। धन्यवाद सर। एक आखिरी सवाल आपसे लूंगा, दलितों की आवाज आप अक्सर बनते आए हैं लेकिन अभी भी उत्पीड़न की घटनाएं जो है देश भर से आ रही है, तो किस प्रकार से स्टैंड गवर्नमेंट का होना चाहिए, आपकी तरफ से क्या प्रयास किए जाते हैं लगातार? गवर्नमेंट का नहीं, मुझे लगता है कि कानून संबंध कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स दिए उनके अनुसार काम होना चाहिए और मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, लेकिन अगर हम लोग कामयाब बड़े पैमाने पर नहीं हो पा रहे इसलिए क्योंकि सरकार अपराधियों का संरक्षण कर रही है। इसी के लिए हमने अपने नेताओं से कहा, जैसे हमारे जिलाध्यक्ष यहाँ खड़े हैं, कि अब हमें सरकार बनानी चाहिए क्योंकि जब हमारी सरकार होगी तो किसी की औकात नहीं होगी किसी गरीब के ऊपर शोषण करने की, अत्याचार करने की। और अब हम लोग इसलिए सरकार बनाने के लिए मेहनत से काम करेंगे, जब हमारी सरकार होगी तो वंचित वर्ग का कोई व्यक्ति जो है, चाहे वो दलित हो या माइनॉरिटी हो या बैकवर्ड हो,
उसके अधिकार कोई नहीं छीन पाएगा, ना उसकी कोई जमीन दबा पाएगा, ना उस पर कोई शोषण कर पाएगा। और मैं इसके लिए संकल्पित हूँ और मैं ये करके दिखाऊंगा। तो ये चंद्रशेखर आजाद रावण हमारे साथ इस वक्त थे राजधानी देहरादून से। आज उत्तराखंड के प्रदेश भर में चुनाव लड़ने की घोषणा की है, वही दलितों की आवाज के लिए, दलितों पर होने वाले उत्पन्न के लिए संकल्पबद्ध है और ये वचन दिया है कि ये वो पूरा कर दिखाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ मैं अर्शद खान, HNN 24x7। तो उत्तराखंड में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव, यहां पर चंद्रशेखर की जो पार्टी है वो भी लड़ेगी और इसका ऐलान चंद्रशेखर ने आज कर दिया है। देहरादून पहुंचे चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण और उन्होंने कहा कि 2022 विधानसभा चुनाव सूबे का इनकी पार्टी लड़ने जा रही है। बता दें कि 2020 में पार्टी का गठन किया गया, 2019 में कयास लगाए जा रहे थे कि वाराणसी से चुनाव लड़ सकते हैं चंद्रशेखर आजाद प्रधानमंत्री मोदी के अपोजिट, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और उसके बाद क्योंकि दलितों की आवाज उठाने का काम चंद्रशेखर करते रहे हैं, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव में जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया था, उस पूरे मामले पर भी अपनी आवाज उठाते नजर आए थे चंद्रशेखर। और आपको बता दें कई महीने वो जेल में रहे, उसके बाद जब वो वापस लौटे तब उसके बाद सुर्खियों में भी चंद्रशेखर आ गए थे और कयास लगाए जा रहे थे कि 2019 का चुनाव वो लड़ेंगे प्रधानमंत्री मोदी के अपोजिट में। और अब एक बार फिर से जब चुनावी समर है तो इसमें भी यहां पर 2022 का विधानसभा चुनाव जो है चंद्रशेखर की पार्टी आजाद समाज लड़ने जा रही है। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष भी हैं चंद्रशेखर उर्फ रावण, जो दलितों की आवाज को उठाने का काम हमेशा करते रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से ये दलितों की आवाज बनते हैं और दलितों को इंसाफ दिलाने के लिए हमेशा ये आगे आते हैं, हमने देखा था कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी किस तरीके से चंद्रशेखर ने आगे बढ़कर अपनी सियासी जमीन तलाशने की कोशिश की थी, लेकिन कहीं भी वो अपनी भूमिका में नहीं रह पाए, अपनी जमीन मजबूत नहीं कर पाए। और क्योंकि अब 2022 में विधानसभा चुनाव हो, तो ऐसे में उत्तराखंड में भी उन्होंने जमीन तलाशने के लिए ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी आजाद समाज पार्टी जो है वो चुनाव लड़ने जा रही है उत्तराखंड के अंदर 2022 का विधानसभा चुनाव। और अर्शद खान हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अर्शद, 2022 का विधानसभा चुनाव आजाद समाज पार्टी भी लड़ने जा रही है जिसका ऐलान चंद्रशेखर ने कर दिया है। बिल्कुल रीना, देखिए आपको बताना चाहूंगा, जिस बेबाकी के लिए चंद्रशेखर रावण पहचाने जाते हैं ठीक उसी बेबाकी के साथ आज उन्होंने राजधानी देहरादून पहुंचकर आगामी चुनाव के रण में कूदने की घोषणा यहां से कर दी है। आपको बताना चाहूंगा रीना, इस पूरे मुद्दे पर पूरी जानकारी से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, देश भर के कई प्रभावशाली नेताओं में अब जो है चंद्रशेखर आजाद का चेहरा भी सामने आता है, तो कहीं ना कहीं उनकी लोकप्रियता लगातार देश भर में बढ़ रही है। वहीं प्रदेश के चुनाव की यदि बात की जाए तो उन्होंने चुनावी रण में जो है बिगुल अपना फूंक दिया है राजधानी देहरादून से और पूरी मुस्तैदी के साथ उन्होंने चुनाव लड़ने की यहाँ पर बात कही है। आपको बताना चाहूंगा, हरिद्वार से ये आजाद समाज पार्टी से अपनी शुरुआत करेंगे, जो प्रथम चुनाव हरिद्वार में होंगे, उसके बाद जिलेवार तरीके से पूरे प्रदेश भर में चुनाव लड़ेंगे और कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में भी ये आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद के चेहरे को लेकर के पूरी निपुणता के साथ प्रदेश में चुनाव लड़ती नजर आएगी। वहीं कई मुद्दों पर यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद ने प्रदेश की राजधानी में पहुंच करके प्रकाश डाला है, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो या फिर एजुकेशन को लेकर के बात हो। तो आपको ये भी बताना चाहूंगा, प्रदेश की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर भी उन्होंने यहाँ पर चर्चा की है, क्योंकि प्रदेश को अभी तक अपनी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नहीं मिल पाई है और आपको जानकारी होगी रीना, क्योंकि वो खुद एक वकील है, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन के ऊपर भी उनका खासा जोर है रीना। जी बिल्कुल अर्शद, क्योंकि 2019 में हमने देखा था जब वो जेल से बाहर आए थे उसके बाद काफी कयास लगाए जा रहे थे कि वो चुनाव लड़ सकते हैं, कौन सी पार्टी का दामन वो थामेंगे, क्योंकि दलित समाज में काफी लोकप्रिय नेता के रूप में जाने जाते हैं चंद्रशेखर। और उस वक्त भी कहा गया था वाराणसी के अपोजिट में वो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा नजर भी आया नहीं था। अब क्या माना जाए, 2022 में जब इनकी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही थी, सियासी जमी क्या मजबूत कर पाएगी पार्टी? बिल्कुल रीना, देखिए सबसे बड़ा सवाल चंद्रशेखर आजाद के लिए सामने ये था कि उनको कोई सियासी जमीन नहीं मिल पा रही थी, वो लगातार तलाश कर रहे थे, जिसके चलते उन्होंने खुद की अपनी एक पार्टी बनाई है, क्योंकि जिस भी पार्टी का दामन थामने की उन्होंने कोशिश की, या तो वो
वहां पर उनको उनकी रणनीतियां पसंद नहीं आई या फिर उनकी विचारधाराएं जो है चंद्रशेखर आजाद के बिल्कुल विपरीत थी। जिस प्रकार से वो दलित प्रेमी है, जिस प्रकार से वो महिलाओं का सम्मान करते हैं और जिस प्रकार से वो बेबाकी वाले जवाब देते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी भी पार्टी में उनका शामिल होना जो है उनको वो नहीं खपता रीना। तो मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, जिसको चलते उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई है और जिसके बलबूते पर वो चुनाव लड़ने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल उनके सामने होगा। जिस प्रकार से उनकी लोकप्रियता उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है या देश के अन्य राज्यों में देखने को मिलती है, ऐसी लोकप्रियता बनाने में कहीं ना कहीं प्रदेश को उनको वक्त लगेगा, क्योंकि उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है। यहाँ के दूरस्थ इलाकों की जानकारी चंद्रशेखर के कानों तक शायद नहीं पहुंचती होगी, क्योंकि यहाँ पर और भी कई समस्याएं हैं। यहाँ दलित का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा नहीं माना जाता है रीना, यहाँ पलायन का सबसे बड़ा मुद्दा है, यहाँ बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है, यहाँ महंगाई का सबसे बड़ा मुद्दा है। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद के जो है मैनिफेस्टो से गायब होते दिखाई देंगे, और किस प्रकार से वो काम करेंगे, क्योंकि एक बड़ा दल भी उनके पास नहीं है। जिस प्रकार से बीजेपी केंद्र से पूरी प्रदेश की राजनीति को लीड करती है, कांग्रेस जिस प्रकार से केंद्र से प्रदेश की पूरी राजनीति को लीड करती है, तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद का जो कद है वो इन सभी पार्टियों के सामने छोटा नजर आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद का ये चुनाव लड़ना, आम आदमी पार्टी जो की प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रही है, वो उनके दलित और मुस्लिम वोट जो है खाता काट सकते हैं रीना। चलिए अर्शद, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।